दोस्तों आजकल नाटो रूस और यूक्रेन का नाम बहुत प्रचलित में है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे नाटो संगठन क्या होता है और रूस और यूक्रेन का जंग क्यों चल रहा है, किस वजह से वहां जंग की शुरुआत हुई, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। नाटो को 1949 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मौजूद है। मौजूदा वक्त में इसके कुल 30 सदस्य देश हैं। नाटो के अनुच्छेद 5 के मुताबिक इस संगठन में शामिल सभी देश सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करती, यानी नाटो संगठन के किसी भी सदस्य देश के ऊपर हमला होने का मतलब कि इसमें शामिल सभी सदस्य देशों पर भी हमला माना जाता है। इस संगठन का उद्देश्य है यदि कोई बाहरी देश इसके किसी सदस्य देश पर कोई हमला करता है तो फिर सभी देश मिलकर उसकी सुरक्षा करेंगे। दूसरा विश्व युद्ध के बाद जब नाटो बना था तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक सदस्य देश थे। दोस्तों सोवियत संघ के अंदर रूस के अलावा यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया, पोलैंड और भी देश इसमें मौजूद था। दोस्तों इसका जो विचारधारा है वह साम्यवादी विचारधारा है। इसके सामने दोस्तों एक देश था अमेरिका, इसकी जो विचारधारा है वह पूंजीवादी है। इसका जो संगठन था नाटो, असली जड़ दोस्तों युद्ध का, असली संघर्ष का जड़ वो कौन है दोस्तों, वह नाटो। रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा कौन उठाने वाला है? एक अमेरिका और एक दोस्तों चाइना है। अमेरिका और रसिया के बीच शक्ति संघर्ष दोस्तों कौन सबसे ऊपर है स्टार्ट हो गया, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है, जो 1945 से 1991 तक लगातार चलती है। 1991 में सोवियत संघ आर्थिक रूप से कमजोर हो गया और यह टूट गया। इसका हो गया विघटन, जिसे बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और भी बाकी देश इससे अलग हो गया। सोवियत संघ दोस्तों क्या बन गया? रूस बन के सामने आया। दोस्तों घटना अब यहाँ से होती है, आप सोच के देखो, रसिया और दोस्तों ये है यूक्रेन। तो अब अमेरिका चाहता था जो सोवियत संघ से अलग हो गया देश, इन देशों पर प्रभाव स्थापित किया जाए। एक चाहता था कौन दोस्तों? अमेरिका। तो अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर अपना प्रभाव देना शुरू कर दिया, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है रूस से बाउंड्री बनाता है, ये स्थान अलगाववादियों का रहा है। यूक्रेन की दोस्ती किसके साथ दोस्तों? अमेरिका के साथ बढ़ने लगती है। तो इससे समस्या किसे हुई फ्रेंड्स? रूस को समस्या होने लगी। शुरुआत में रूस कुछ नहीं करता है क्योंकि रूस के सत्ता में लोग कमजोर थे। जैसे ही रूस में सत्ता में व्लादिमीर पुतिन आया तो दोस्तों सबसे पहले वह इस सत्ता को अपने हाथों में लिया और सत्ता का केंद्रीयकरण। 2014 में रूस ने यूक्रेन का जो हिस्सा था क्रीमिया उस पर कब्जा कर लिया, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद एक समझौता होता है, इसका नाम मीन समझौता है। ये समझौता सन 1915 के अंदर दोस्तों हुआ था। इस समझौता में कह दिया यूक्रेन में जहां पर भी अलगाववाद की लहर उठेगी उन क्षेत्रों को सत्ता उन्हें दे देगी और वहां पर स्वशासन होगा। उसने अब कहा यूक्रेन से मिंस समझौता पालन करो। यूक्रेन किस में शामिल होने की बात कर रहा है? नाटो में शामिल होने की। रूस ने यूक्रेन से कहा संभल जाओ। यूक्रेन ने कहा हमारे पास 30 देशों का सपोर्ट है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो गाइस अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करें।